अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं बैठा हुआ था अकेला दुकान पर, तो मुझे अपने भाई की बहुत याद आई, मेरा भाई अब्दुल रहमान, क्योंकि कराची में आदमी में कोर्स कर रहे हैं। अल्लाह ताला उसको कामयाब करे, उसकी मंजिल आसान करे, उसको इमाम कावा बनाए। हमारी मोहब्बत के बहुत गहरे रास्ता है। जब अबू मुझे मारते तो उसमें तकलीफ होती, वो बोलता था ये अबू उसको नहीं मारो, मुझे मार लो। अबू मारते कहाँ थे, डांटते थे सिर्फ, लेकिन बहुत मिस करता हूँ उन लम्हे को। हम दोनों भाई जब मैं कोई मस्ती करता तो मुझे फौरन उठा के ले आता, मैं सो रहा होता अम्मी बताती मुझे भुला देता, हर चीज़ में मेरा ख्याल रखता। आज तक मेरे लिए जो कुछ मेरे लिए बहुत कुछ मेरे लिए मेरा भाई करता है। और कहते हैं बाप के बाद जो घर का बड़ा होता है ना, जो आपका बड़ा भाई होता है, वो बाप की जगह ले लेता है। यानी कि बाप के बाद जो मुकाम है ना, वो बड़े भाई का है। और बड़ा भाई बहुत असीम चीज है, एक नेमत है ये भी, बड़ा भाई होना। और बड़े भाई का इतना अच्छा होना, मेरे पास अल्फाज नहीं है ये भाई, मैं तेरे लिए क्या कहूँ। तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो, बहुत बहुत मिस करता हूँ मैं उन लम्हे को जब हम मुझे मेरा भाई स्कूल से लाते थे, हाथ पकड़ के मारे होते थे स्कूल से, मस्तियाँ करता मुझे डांटता, हम खेलते, ऐसे खो गए वो दिन यार। लेकिन जिंदगी की दौड़ में निकले हैं आखिरत की तैयारी करने के लिए, अल्लाह ताला कामयाब करेगा जरूर। और बस यही कहेंगे कि अगर आपके पास भाई जैसी नेमत है तो उनका ख्याल रखें, उनको कोई तकलीफ ना आने दें, उनको कभी बुरे अलकाब ना कहें, उनको हमेशा बड़े भाइयों की तरह रखें, उनको इज्जत दें। एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ अपने भाई से मुताल्लिक, बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है। ये भी एक याद थी, हुआ कुछ इस तरह कि मैं और मेरा भाई हम बाहर गए, घर से निकले तो बच्चों ने आग लगाई हुई थी। हमारे पास एक गुब्बारा था गैस वाला, जिसका मैं गैस भरा हुआ था। तो मैंने भाई से पूछा कि भाई मैं गुब्बारा रखूँ उसके ऊपर, मेरे भाई ने बोला बोला रख दे। जैसे मैंने गुब्बारा रखा तो वो फटा और मेरा मुंह पूरा जल गया। मेरा भाई इतना परेशान हुआ फोर रन से मुझे लेके गया। हालांकि साहब बिल्कुल मेरे से एक साल बड़ा है, छोटा था, हम दोनों छोटे थे, छोटी अकल थी हमारे पास। फ़ौरन से मुझे लेके गया, घर पे लेके नहीं गया कि यार घर पे अम्मी को पता ना लग जाए। फ़ौरन से लेके गया नलके पे, मेरा मुंह धुलाया, फिर घर पे भाग के गया। एक ट्यूब आती थी मुंह ट्यूब आती थी जो दर्द पे लगाते ना, कहाँ पे हड्डियों में दर्द हो, कमर पे लगाते हैं, जोड़ों पे लगाते हैं, वो फ़ौरन से बोलो क्या लेके आया और उसने मेरे मुँह पे लगा दी। अब उसके बाद तो मेरा मुँह इतना जले कि मैं बता नहीं जाऊँ। फिर मैं घर गया, फिर अम्मी ने मुँह धुलाया, मेरा शहद लगाया, अम्मी को बताया। यानी कि इस तरह के हम दोनों भाई जब भी मिलते थे बहुत मस्तियाँ करते थे। मेरे भाई के साथ मेरी बहुत फाफत यादें वाबस्ता हैं। सच में यार भाई होना बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी, लेकिन क्या बहुत अहम तरीन हिस्सा। और बहुत सारी यादें मेरे भाई से वाबस्ता हैं, यानी कि जितनी मेरी ज़्यादातर 100 में से 70% जो यादें हैं उनके अंदर मेरे भाई का जिक्र ज़रूर आएगा। मेरी खुशी, मेरी गमी, मुझे समझाना, मुझे बचाना हर चीज़ से, उसमें मेरे भाई का बड़ा किरदार है। आई लव यू माई ब्रदर। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। और मुझे खुशी है कि अल्लाह ताला ने मुझे आप जैसा भाई दिया। मैं इसे भाई से नेमत और भाई से फख्र समझता हूँ कि मेरे पास आप जैसा भाई है। आपको सलाम हो कि आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई। मेरे लिए जो कुछ किया उसका मैं कभी आपका एहसान तो नहीं उतार सकता, लेकिन ज़िंदगी रही तो आपको कभी तकलीफ नहीं आने दूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।